हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्न चैप्टर थर्टीन व्हाई डू वी फॉल इल लास्ट लेक्चर में हमने थर्टीन पॉइंट वन तक कंप्लीट किया था नाउ वी स्टार्ट थर्टीन पॉइंट टू डिसीज एंड इट्स कॉजिस व्हाट डज डिसीज लुक लाइक डिसीज कैसे दिखते हैं लेट अस नाउ थिंक अ लिटल मोर अबाउट डिसीजिज इन द फर्स्ट प्लेस हाउ डू वी नो दैट देर इज़ अ डिसीज इन अदर वर्ड्स हाउ डू वी नो दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी डिसीज़ का मतलब भी हमारी बॉडी में कोई चेंज हुआ है तो हम उसको डिसीज़ बोलते हैं देर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स टिश्यू का है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई बहुत सारी हमारे बॉडी में टिश्यू होती है टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सेल These tissues make up physiological system or organ systems that carry out body functions each of the organ system has specific organs and its parts and it has particular functions so the digestive system has the stomach and intestine and it has to digest food taken in from outside the body the musculoskeletal system which is made up of bones and muscles हॉल्स द बॉडी पार्ट्स टूगेदर एंड हैल्प द बॉडी मो हमारे बॉडी में जो मसल्स है है ना उससे पूरा स्कैटर बनता है तो वो क्या करते हैं पूरे बॉडी को होल्ड करते हैं वेन देर इज अ डिसीज आइदर द फंक्शनिंग और द अपीरियंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स दिस चेंज गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिसीज हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत भी चेंज लगता है या थोड़े बहुत उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हम उसको डिसीज़ बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर द थिंग वी फील एज बींग रॉन्ग सो वी हैव अड एक वी हैव कॉफ वी हैव लूज मोशन वी हैव वाउंड विथ पर्स दीज आर ऑल सिम्टम्स तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं दिस इंडिकेट दैट देर मी बी डिसीज़ बट दे डोंट इंडिकेट वॉट द डिसजिज है ना ये सारे सिस्टम्स हमें दिखाई देते हैं पर हमें पता चलता है भी हमारी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है बट डिसीज कौन सा डिसीज हुआ है हम उसका स्पेशली नेम कैस नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अ हैड एक मे मीन जस्ट अ एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेली इट मे मीन अनिंग टाइस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिस साइंस ऑफ डिसीज आर वॉट फिज़िकल्स विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स साइंस विल गिव अ लिटल मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़ फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिसज़ फर्दर तुम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा क्या बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा या तो यूरिन टेस्ट करवाना पड़ेगा तो परफेक्टली पता चलता है कि भाई हमें कौन सा डिसीज हुआ है तो डिसीज टू टाइप्स के होते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन हाउ वी प्रिसव द डिसीज़ इट इट्स ड्यूरेशंस सम डिसीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ द टाइम एंड दिस आर कॉल्ड एक्ूट डिसीज ए जो ऐसे डिसीज है कि जो हमें थोड़े ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहे तो वो सारे एक्यूट डिसीज नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज है ना एक एक एग्जाम्पल दिया है कि भी कोल्ड का कि जो सर्दी होती है वो थोड़े दिन तक रहती है अदर एलिमिनेंट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड अ क्रॉनिक डिसीज और जो ऐसे डिसीज के जो हमें लाइफ टाइम होते हैं है ना वो सारे क्रॉनिक डिसीज है an example इज द इन्फेक्शन कोजिंग एलिफेंटाइसिस which इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया तो यह एलिफेंटाइसिस का एग्जांपल दिया है कि जो इंडिया के सम पार्ट में दिखाई देता है कि भाई वो लॉन्ग टाइम तक चलता है क्रोनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ एज वी एन इमेजिन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ एनी डिस दैट कोजिज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी

हमें सर्दी कफ है ना टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं तो देर आर अक्यूट डिसीज मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक ऑल्सो एंड देर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑन अवर हैथ वी डू नॉट लूज वेट वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ अ फ्यू डेज ऑफ कफ एंड कोल्ड बट इफ़ वी इन्फेक्टेड विथ अ क्रोनिक डिसीज सच एज ट्यूबर क्यूलोसिस है ना सपोज हमें टी बी हो जाए ऑफ द लंग्स देन बींगल ओवर द यर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम टी बी एक ऐसा डिसीज है जिसके हम टायर्ड हम थकान महसूस करते हैं हमारा वेट कम हो जाता है तो दे आर क्रॉनिक डिसीज वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिसीज़ बट अ क्रॉनिक डिसीज वील मेक अ डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो वट इज़ बींग टॉट इन स्कूल And reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. Chronic disease therefore have very drastic long-term effects on people's health and complicated to acute disease. Then causes of disease. What causes of disease? When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes of disease. बहुत सारे ऐसे लेवल्स जैसे कि लूज मोशन हो गया वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन विथ अ वायरस हम ऐसा सोचते हैं कि भाई वायरस की वजह से हमें लूज मोशन हो गया है बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेड इड वायरस फ्रॉम और दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भाई वो वायरस कहाँ से आया है ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमने कोई गट, हम वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर हमने अनक्लीन वाटर हमने पी लिया होगा बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में सबने पानी पिया है तो सबको ऐसा डिसीज नहीं होता है वन रीज़न माइट बी दैट डिज बेबी इज़ नॉट हेल्दी तो हमारे मैम ने वो क्वेश्चन आता है कि वो बेबी हेल्दी नहीं है इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव अ डिसीज वेन एक्सपोज टू रिक्स वेर एवज देयर बेबीज़ वुड नॉट वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी तो ऐसा सोचते हैं कि वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है पर हैवस बिकॉज इट्स नॉट वेल नरिश एंड डज़ नॉट गेट इनफ फूड तो फिर दूसरे उसका आंसर वही होता है कि भाई उसको अच्छा खाना नहीं दिया होगा इसके लिए वो वीक आ, वीक है सो लेक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड लेवल कोज ऑफ द डिसीज एंड द बेबी सफरिंग फॉर्म है ना तो ऐसे एक क्वेश्चन के बहुत सारे हम आंसर दे सकते हैं इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जीनेटिक डिफरेंस और लास्ट में वही उस उसका फॉर्म आता है कि भाई उसके जीन जीन्से जीन्स ऐसे होंगे डी में प्रॉब्लम होगा तो उसको ऐसा डिसीज़ हो रहा है

इट विल नाउ बी ऑबियस दैट ऑल डिसीजेज विल हैव इमीडिएट कोजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटे कोजेज ऑल्सो मोस्ट डिसीज विल हैव मैनी कोजेज राधर देन वन सिंगल कोज ओके तो हमें कोई एक डिसीज होता है तो उसके लिए बहुत सारे रीजन्स बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट आज के लिए इतना ही ओके स्टूडेंट थैंक यू